में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में चिश्ती नगर में रहने वाले 32 वर्षीय के रजुद्दीन की पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर सिकुआबाद नहर में शव फेंक परिजनों को मिली जानकारी में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी मिली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जिला अस्पताल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस मृतक की पत्नी सहित एक महिला और दो युवकों को पुलिस ने किया हिरासत में। पुलिस मामले की कड़ी से जुड़ती जा रही है। वही मामले में कई टीमों का गठन किया गया जिससे जल्द खुलासा होने की उम्मीद है। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। मेरा नाम ताजुद्दीन, मेरा जुद्दीन का भाई हूँ। अच्छा, आज आपको जिला अस्पताल में आना पड़ा, बहुत सुनी, तो क्या पूरा मामला? पूरा मामला मतलब मेरे भाई का, इसने जो शॉट दिए, नशे की गोली दी, ये सारा काम आसिया का काम है। ये अपने मायके में रहती थी, मेरे घर शीतल खां पे रहती नहीं थी। इसका जब शादी हुई थी तो शादी के बाद 6 महीने पहले इसका भाई इसका बाप ले गया निकाल करके, और इसने इसके बाप ने मुझे वार्निंग दी। इसका बाप ये बोला कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो उसके बहुत समेटने वाले, और इसको कुछ हो गया तो इसके समेटने वाले कोई नहीं। इसका बाप यही बोलता था। इसकी माँ ने, इसके बाप ने कभी नसीहत नहीं करी। क्या हुआ तुम्हारे भाई के साथ? मेरे भाई के साथ तो ये 20 दिन पहले ये डिवोर्स मांग रही थी मेरे भाई से। सराज वकील के पास पहुंची, वहां पर जाकर इसने अपने पेपर बनवाए डिवोर्स के लिए। मेरा भाई ने नहीं दिया इसको डिवोर्स, बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा। मैंने ये बोला अपने भाई से कि नहीं तू मत दिए, जब ये मांग रही है तब ये। इसका भाई ये बोला आसिया का कि अगर वो डिवोर्स मांग रही है तो तुम दे दो। इसके भाई को भी मालूम है सारी चीज, और एक इसकी बहन है इकरा, उसको क्वारी है, वो उसको भी मालूम है इसके बारे में, इसकी सेटिंग किससे क्या है। सलमान बंदे से ये सेटिंग चलाती है, एक जीशान नाम का बंदा है उससे भी सेटिंग है इसकी। किस तरीके की हत्या की है तुम्हारे भाई की? मेरे भाई की इस तरीके से हत्या करी गई है। रात के 3:30 बजे उसको पहले तो नशे की गोलियां दी गई हैं चाय में, फिर उसके बाद उसके शॉट लगाए बिजली के हाथ में पैर में, उसके बाद इसका डेट हुई है। फिर उसी के रूम मिली है डेड बॉडी, डेड बॉडी सुकावाद नहर पे। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन? अब हम ये चाहते हैं प्रशासन से, सभी से, कि हमारे भाई की बस इंसाफ दे दो बस। हम और कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे इंसाफ दिलवा दो बस। मेरा सबसे छोटा भाई है, मुझे इंसाफ चाहिए।